So फिर आई एम इन लव विद यू, फिर आई एम इन लव विद यू, आई एम इन लव विद यू, फिर आई एम इन लव विद यू. देखो सर, मुझे किसी और से शादी वादी नहीं करनी. बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना. रजवान ने कुछ क्लैरिटी के लिए लाई थी आपको यहाँ. बहुत आसान. मैं और सफीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं. तुम्हें जॉब हजारों की मिले या लाखों की मिले, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म ही तो हो गई. मैं भी तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी. बस एक अच्छी जॉब की तो देर. बाय, जाओ, गो. हिम्मत रखने के लिए उम्मीद का होना बहुत जरूरी होता है, और मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अब जिंदगी से मैं क्या उम्मीद रखूं. कुछ खत्म नहीं हुआ. वो लोग खुद को हमारी जगह पे रख के क्यों नहीं सोच सकते हैं? वो भी तो इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना. डोंट बी इमोशनल प्लीज. मैं बात करूंगी उन दोनों से. मानते हैं तो ठीक है, वरना आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू. तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू. तुम ऐसा नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी. आए सफी, देखो तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा. हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ. तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रह पाओ. बेहतर होगा कि तुम भी ये बात जल्दी जान लो. अच्छा, भाषण खत्म हो गया तो मैं बोलूँ? तुम्हें क्या लगता है सफी, यू आर दी ओनली वन सफरिंग? यहाँ मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं, जस्ट गिव अप. क्या जरूरत है लड़ने की, सब कुछ खत्म हो चुका है ना. तुम बस उनकी बात सुनो, वो जो चाहते हैं तुम वो करो, आगे आने वाली जिंदगी में खुश रहो. सफी, तुम हार मान सकते हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं. जो दिल पे हार रखती.